स्वागत है आप सभी का इंस्पायर पे। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं दोस्त, जानता हूं पर पूरी 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 भरपाई होगी आने वाले दिनों में। क्लैट के इस एक ड्यूरेशन में, इस एक महीने में तुम्हें एक से एक शानदार कंटेंट मिल रहा होगा, मोटिवेशन से लेके कॉलेज रिव्यू से लेके हर वो चीज मिल रही होगी। आज मैं यार तुम्हारे आगे वाले एग्जाम के लिए, यानी कि जो 2023 का दिसंबर में हमारा जो एग्जाम हो रहा है उसकी बात करने वाला हूं। क्लैट 2023 के लिए कुछ लोगों ने पूछा कि सर स्ट्रेटजी बता दो, 2022 के लिए तो आपसे मैं उतना गाइडेंस ले नहीं पाए, तो चलिए आज हम 2023 के लिए बात करते हैं क्या क्या चीज जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज तुमको बताऊंगा किस तरह डिटेल में पढ़ो यार, अगर मेरी इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो गारंटी तो मैंने ड्यू पा जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हुए। सब्जेक्ट सभी लोग जानते हैं, एक एवरेज इतने में से इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 35 से 39, 38 से 32 क्वेश्चंस लगभग जो है। पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये पांच हमारे मैथ्स, जीके, सीआर, एआर एक ही में आ जाता है तुम्हारा, लीगल और इंग्लिश इसमें आ जाते हैं। किसी को कोई सेक्शन कठिन लगता है, किसी को कोई, तो चलो हम लोग सभी की स्ट्रेटजी देख लेते हैं ताकि हम लोगों को मालूम पड़ सके कि हमें एक्चुअली में किस तरह से किस चीज को कवर करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी चीजें जो हम अपने ध्यान से नहीं निकाल सकते, हमें इन चीजों को डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले तो यार रिवीजन जरूर करो। मैं पांचवें पॉइंट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज ये चीज तुम्हें खा जाएगी। तुम भले कुछ भी कर जाओ, तुम्हें अगर चीजें एग्जाम टाइम में याद नहीं रही, बिकॉज अगर तुम्हारा रिवीजन कम हुआ तो तुम मात खा जाओगे, अपने ओपोनेंट से, अपने कॉम्पिटिटर से हार जाओगे। तो इसीलिए दोस्त रिवीजन जरूर करते रहो। रिवीजन करने के अलावा अगर मैं कहूं सबसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, तो वो है मॉक देना और उन्हें एनालाइज करना। क्योंकि अगर मॉक दिया तुमने तो तुम्हें ये तो पता चला कि तुम किस जगह पे, मतलब तुम्हें अपनी खुद की तो औकात दिख गई कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है पेपर में, लेकिन वास्तव में तुम जब एनालाइज करोगे मॉक को तो तुम्हें वास्तव में मालूम पड़ेगा कि तुम्हें उन कमियों को दूर कैसे करना है। सबसे पहली बात, गलती को मानना उसे सुधारने से पहले का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो तुमने अपनी गलती मानी एनालाइज करके, ठीक है। और यार तुम देखोगे धीरे धीरे, कौन जिम जाता है यहाँ पे, जिम कोई जाता है बताओ, धीरे 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 अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करते हो ना यार, तो मॉक के स्कोर्स में भी करोगे ना तो मजा आने लगेगा। प्रिपरेशन करने में वही एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि तुम देखोगे तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें उसका रिजल्ट मिल रहा है। ये कब होगा, जब तुम स्पेसिफिक एरिया से वर्क करोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किस जगह मेहनत कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना यार। और इस बात की अगर मैं बात करूं, यानी कि रीड एज मच एज यू कैन, जो मैंने लिख के तुम्हें दे दिया है, इस एग्जाम को देने से पहले अगर तुम ये बात नहीं जानते हो तो फिर प्लीज तुम इस एग्जाम को अभी बिल्कुल भी टच भी नहीं करे दोस्त, बिकॉज एनीवन हु कैन रीड कैन गेट थ्रू दिस एग्जाम। ये सिंपल फिलॉसफी बना दी गई है इस एग्जाम की। अब तो अपडेट जो आ चुके हैं हमारे इस पैटर्न में, उसमें तो रीडिंग को और ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मैं कहूंगा कि अपने दिन में सबसे ज्यादा एक प्रायोरिटी डेली जो रखो वो है रीडिंग की। कोई हर दिन जाना नहीं चाहिए दोस्त, जैसे तुमने एक अच्छा खासा चंक ऑफ मटेरियल रीड ना किया हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। रीजन बताऊंगा क्यों जब हम स्पेसिफिकली पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम इन चीजों को ध्यान रखोगे, मेरी बात आगे देखते हुए। इंग्लिश पे आते हैं, ठीक है यार। इंग्लिश में सबसे पहली बात तुम ये समझ लो कि हमें आरसी सॉल्व करना आना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसको जल्दी से पढ़ के उससे डेटा कलेक्ट करके नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। ये हम कब कर पाएंगे, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे इतने ज्यादा हाईफाई इन चीजों को नहीं फोकस किया जाता है। हम लोग डेली इन सब चीजों में इतना नहीं, हम लोग काफी सारे लोग पीसीएम बैकग्राउंड से होंगे जैसे फॉर एग्जांपल, तो उनकी ये प्रैक्टिस छोटी हुई है ना। तो अब आपको इसको गेन करने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आरसी का मतलब ये नहीं है कि आप उसी पर्टिकुलर एक लेंथ के पैसेज को पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें। कई बार आप अगर स्पीड में कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो आपकी आरसी की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा वो यहां मैंने लिख रखी है। देखो यार, आरसी पढ़ते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कि तुम्हें अगर फिजिक्स अच्छी लगती थी तो फिजिक्स अच्छे लगने में उसको पढ़ने का मन करता था, सबसे ज्यादा उसकी लैंग्वेज भी सिंपल लगती थी। लेकिन वहीं दूसरी हो, कोई और सब्जेक्ट उठा लो, फॉर एग्जांपल उस टाइम अगर तुम्हारे साथ इंग्लिश होगा तो इंग्लिश तुम्हें अगर मान लो नहीं अच्छी लगती थी तो तुम्हें उसकी पोएम्स, उसके प्रोजेस को पढ़ने का मन नहीं करता था,
लेकिन ऐसा तो नहीं था कि एग्जाम में किसी एक की वैल्यू कम है, किसी की दूसरे की कम ज्यादा है। सिमिलरली हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां से आरसीस प्रकट हो सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, चाहे वो इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो, चाहे साइंस का सेक्शन हो, चाहे किसी भी, चाहे हिस्ट्री का सेक्शन हो, चाहे ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछ ले, मतलब समझ लो तुम्हारी रीडिंग की कोई सीमा ही नहीं है, लाइक स्काई इज द लिमिट वाला सीन है। तो तुम एक चीज का ध्यान रखोगे, डेली जो भी कुछ पढ़ोगे वो सेम नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस चीजों की रीडिंग नहीं करनी है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों की रीडिंग करते हुए अपने आप को हर एक तरह की लैंग्वेज में कंफर्टेबल करना है, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। तुम याद रखना जो साइंस में टर्म्स होते थे वो इकोनॉमिक्स में यूज नहीं होंगे, जो और कहीं होते हैं वो और कहीं नहीं होंगे। ये बात क्लियर हो रही है हमें? ठीक है सर, क्लियर हो रही है। सोर्सेस, सोर्सेस देख लिया, कोचिंग है, कोचिंग का मटेरियल तुम्हें सबसे ज्यादा टारगेटेड अप्रोच बताता है, बिल्कुल इस चीज पे ध्यान दो। फिर तुम्हारी एक किताब आती है अरिहंत पब्लिकेशंस की, प्रोफिशिएंसी इन आरसी करके। फिर तुम्हारा जो है हिंदू का एडिटोरियल, और वर्ड पावर मेड इजी नाम की जो बुक है वो मैंने इसलिए बताई बिकॉज तुम्हें उससे एक बहुत वैरायटी ऑफ वर्ड्स जो है इजी वे में लर्न करने को मिल जाएंगे, तो इससे तुम्हारी जो है वोकैब जो है स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना, उससे तुम्हें अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी। क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर दिला सकता है एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेहनत से, और साथ ही साथ इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है, और हमारे आने वाले फ्यूचर में एक्चुअली इसी का यूज होने वाला है। तो इस एरिया में मेहनत करने से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं बताता हूँ क्या करना है। एक्चुअली समझने की कोशिश करो यार, इसमें हमारे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, टॉट्स नाम का कुछ टॉपिक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पे तुम्हारे सामने क्वेश्चंस प्रकट होंगे। अब ये होगा और करंट से भी कनेक्ट करते हुए जो आजकल हमारी न्यूज लीगल न्यूज स्पेसिफिकली हो रही होगी उस पर बात करते हुए तुम्हारे पास पैसेजेस आ रहे होंगे। अब तुम अगर इस चीज पे ध्यान दो कि तुम्हें इसमें क्या छांट छांट के पढ़ना है, जिसका बेस्ट सोर्स होगा कोचिंग का मटेरियल, क्योंकि तुम्हें उससे ये मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे लिए टॉट्स में 400 पन्ने की किताब पढ़ना जरूरी नहीं है जो तुम लॉ के एलएलबी में पढ़ोगे। यहां तुम्हें बहुत छोटा सा कंटेंट कवर करना है जो तुम्हें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि तुम जब पैसेजेस में ये चीज अपीयर हो तो उसको आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये चीज कर रहे होंगे। फिर करंट अफेयर्स के लिए हम लोग ये सोर्स उठा रहे होंगे, लाइव लॉ, बार बेंच ऑफ लॉ ऑक्टोपस, इस तरह की चीजें हम लोग कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा हाथ माथा और सब कुछ थक जाए, लीगल 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 चिल्लाने लगे, और तभी हम इस चीज में पारंगत हो पाएंगे और तुरंत के तुरंत ग्रैब कर पाएंगे कहां से क्वेश्चन आया है, आंसर उसका दे पाएंगे एग्जाम में, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्पीड। चलो मैथ्स यार बात करते हैं, तो अगर हम सबसे पहले देखो डेटा इंटरप्रिटेशन का नया अपडेट हुआ है पेपर में, तो मैं मानता हूं इस चीज के लिए तो लोग घबराए हुए हैं, बट प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये एक डील ब्रेकर गेम होता है, बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि मैथ्स तो बहुत थोड़ी सी आ रही है क्यों ही करना, बट यार देखो एग्जाम कॉम्पिटेटिव है, एक या दो नंबर में 100-100 रैंक का डिफरेंस हो जाता है। तुम सोचो अगर तुम्हारे यहाँ पे 10-15 नंबर यहाँ पे अगर इंश्योर हो जाते हैं तो तुम कितना आगे निकल जाओ कितने लोगों से, ठीक है। स्पेसिफिकली बताऊं तो मेरी स्ट्रेंथ भी हमेशा शुरुआत से मैथ्स रही, लेकिन हमारे टाइम में डीआई नहीं था, हमारे टाइम में इनके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं डीआई भी तुम्हें अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो इन्हें कवर करो ना यार, इसको कवर करके इसके बेसिक्स को क्लियर करके इसके बाद तुम डीआई की प्रैक्टिस करने पे आओ, बिकॉज मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके बारे में आगे बताऊंगा तुम्हें, अभी अगर सुन लो, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ये सही बता रहा हूं, ये स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपके पास एक स्किल डेवलप होती है जो कि आपको प्रैक्टिस से डेवलप होगी तो आपको इसमें ऑटोमेटिकली आसानी होगी और कंपेयर में जो कि इस चीज को कम प्रैक्टिस करें, इसमें नॉलेज का खेल कम होता है, नॉलेज बहुत लिमिटेड यूज होती है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इतने बन जाते हैं जिसकी वजह से अगर आप उस चीज में स्किल्ड हो, आपको समझ में आ गया उसका पेज क्या है, तो आप उसको क्लियर कर ले जाते हो, ठीक है। तो इसके लिए बुक्स देख लिया, बीएससी पब्लिकेशन की एक डीआई की बुक आती है बढ़िया सी, आर एस अग्रवाल, इससे उठा सकते हो, बेसिक क्वेश्चन ज्यादा नहीं करनी है प्रैक्टिस, है ना, डीआई का मेजर ध्यान देना है और कोचिंग का मटेरियल बेसिकली ध्यान देते हुए हमें करना है। इसमें यार एक पर्टिकुलर चीज में तुम्हें जो दूंगा, कहीं भी तुम्हें अगर ये लगे कि चीजों को जल्दी सॉल्व करने की तुम्हें ट्रिक्स मिल रही हैं, एसएससी वालों के लिए बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो होंगी,
बिल्कुल देखो जाके, ठीक है यार, वहां से तुम्हें उन ट्रिक्स को ग्रैब करने का एक जो मौका मिलेगा उनको पकड़ के इसमें अप्लाई करो, बहुत हेल्प होगी, मतलब लिटरली थैंक यू बोलोगे मेरे को आके यार, ठीक है। चलो सी यार, क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यार एक बहुत ऐसा सेक्शन है जहां पे लोगों के नेगेटिव हो जाते हैं, लोग सोचते तो कि मैंने सही किया लेकिन आंसर सही मार्क किया, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। तो इसके लिए यार सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने मन में इस चीजों को देखो, हर चीज का एक कोर है, उसको समझने में लगता है टाइम, चीजें ऊपर से अजम्पशंस रीजनिंग ये सब सुन के बड़ा सिंपल सिंपल लगती है, एक बार को लगता है कि समझ में आ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना भाई, हम करते हैं कम प्रैक्टिस और सीधा जाके एग्जाम में सोचते हैं कि हमारे साथ, मॉक में सोचते हैं, एग्जाम में सोचते हैं कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हो गया। प्रॉब्लम ये है, अगर हम इन सोर्सेस से बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखें अपने पास तो ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ो ही क्योंकि तुम्हारे सामने वो नया आके दिखे, तुम एग्जाम में इस स्टेट में रहो ना कि अरे ये इसका तो ऐसे होना था, ये इसका तो ऐसे होना था, ये जब तुम्हारी स्टडी की अप्रोच रहेगी ना बेटा, तब आप उस लेवल पहुंच पाओगे कि एग्जाम को उस छोटे से टाइम पीरियड में इतनी जल्दी मतलब सॉल्व कर पाओ, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और यार मैंने तुम्हें बताया कि एआर की तो बात वही है, मैथ्स जैसा सीन है, जितना मैथ्स की तरह स्किल डेवलपमेंट को होता है डेली, एक दिन में नहीं होगा, रट्टा मारने से नहीं होगा, डेली धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन लगाओ, ब्लड रिलेशंस के एक दो डायरेक्शंस के लगाओ, कोडिंग डीकोडिंग के लगाओ, ज्यादा नहीं करने हैं, ठीक है, एक हैबिट बननी चाहिए, इट्स ऑल अबाउट स्किल डेवलपमेंट। मैं तुम्हें बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ ये बात, प्लीज ध्यान रखना, मैथ्स और एआर में रट्टा नहीं मारना है, कोई फायदा नहीं होगा, भूल जाओगे चीजें, तुम्हें अपने आप समझ में आएंगी कि तुम्हें ये सीख सॉल्व करने की एक कला है वो सीखनी पड़ेगी, कि यहां से शुरू करता हूं तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर इधर इस एज से पकड़ ले तो नहीं होगा, क्लियर है, क्लियर है सर। चलिए करंट अफेयर्स की तो बात ही कुछ और है भाई, समझ लो मतलब अगर तुम ये कर गए तो तुम मतलब बहुत 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 जल्दी बहुत 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 ज्यादा मार्क्स गेन कर ले जाओगे। सिंपल सा करना है, जीके टुडे उठाना है, दृष्टि जैसी सोर्सेज उठानी है, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए, अदरवाइज न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो और आप उसमें से लिटरली उसको छांटना सीख गए हो चीजों को, तो उससे अच्छा चीज नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कैसे ये चीज करते हैं। बाकी अगर तुम इस चीजों को ध्यान रख रहे हो कि अगर तुम एक दो बेसिक सोर्सेज उठा रहे हो, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, और भी कोई सोर्सेज अगर तुम उठा रहे हो, चाहे तुम्हारी स्पेसिफिक कोचिंग भी एक टीम होती है जो स्पेसिफिक तैयार कर रही होती है तुम्हारे मटेरियल, अच्छा होता है वो मटेरियल, ठीक है, टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की काफी अच्छा कर रहे हैं इस चीज में, अगर मैं कहूं तुम उनके मटेरियल देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक बात है ना, किसी एक सोर्स पर रिलाई मत करना, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एग्जाम में कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखते हुए यार, रिविजन करते हुए अगर मैं कहूं कि तुम आगे बढ़ोगे तो तुम क्लैट के एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो, इसी कमेंट सेक्शन में मुझे बता के आने वाले हो कि भैया मजा आ गया। चलो अगर तुम्हें इस वीडियो को देखने में मजा आया हो दोस्त, ठीक है, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, आई नो वीडियोस बहुत दिन से नहीं आई है, बट आई प्रॉमिस कि इन द अपकमिंग वन मंथ तुम्हें एक से एक शानदार कंटेंट मिल रहा होगा, मोटिवेशन का पूरा डोज मिलेगा, नॉलेज भी पूरी मिलेगी। तुम्हें अगर कोई क्वेरी हो, तुम्हें स्पेसिफिकली टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हारी सारी क्वेरीज मैं सॉल्व करूंगा यार। विद दैट नोट लेट्स टेक अ गुड बाय फ्रॉम यू, टाटा।